王娘，你回来就行。瞧瞧，门里他是哪里？小大人，还我有。小哥哥，过去那样，不是因为小哥哟。阿七，你准备打算给阿俊做哪一天？阿七，刚刚，没有人。妈妈कहना चाहती थी कि रिश्ता मुझसे पहले इस बात पर सोच लो, नहीं तो मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि होमी है कैसा। ये मत बोलो कि तुम उसको चाहती हो, वो नहीं है। तो क्या वो भी जाने लगेगा? मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जेलस होती है बेचारी, क्या जी फली है, मुझे ज्यादा पसंद करती है। मायरा अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा दाढ़ की दर्द कैसी? अरे बहुत दर्द है अब्बू जी। बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मी जी डॉक्टर ने दवाई दी है, वो तो मैंने उससे कहा कि मेरी दाढ़ निकाल दे क्योंकि बहुत दर्द है, मगर वो कह रहा था दाढ़ बहुत मजबूत है, ऐसे नहीं निकलेगी। अरे बेटी जाओ पानी लाओ और बहन को दवाई दो, दवाई खा के जाके आराम करो। अब्बू जी मैं अपनी कमरे में खिल करती हूँ, वो क्या है ना मेरा सर भी बहुत चकरा रहा है, तो कमरे में जाके दवा खा लेती हूँ, उसको जाऊंगी। अरे अल्लाह कैसा दर्द दे दिया तूने मुझे। इस आर का दर्द भी बहुत बुरा होगा, जाओ जाओ कमरे में। अरे बहुत दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है मेरी बेटी को, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं वही जानी है तुम कैसी थी एक्टिंग मेरी, मान गई मैं तुम्हारी। अच्छा जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ और हाँ खिचड़ी भी बना देना मेरे लिए, नमक कम रखना। सुनो ये जामे मेरे साथ नहीं चलेंगे, चाय बनाकर लाती हूँ। अरे मेरी दाल में दर्द है मुझे खिचड़ी। नाजनी मामा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हम दोनों उसका रिश्ता लेने के लिए आए। भाई अगर मामा आपको पसंद है तो मेरी बेटी भी आपकी बहुत फेवरेट है। दरअसल हम दोनों की बहुत दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की बहुत। मम्मा कभी कभी तो आंटी मुझे अपनी एज ग्रुप की लगती है। बहुत बहुत शरारती है, वेरी नॉटी। आप दोनों हैं हमारे घर, मेरा बेटा आपको बहुत पसंद आएगा। जी जरूर, कब आ रहा है मम्मी हैदराबाद से? वो आज वापस आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल है कि 10-15 दिन के लिए वो कोरिया जा रहे हैं। जब वो वापस आ जाए तो आप जरूर आइएगा। चलिए उसे कोरिया से हो आने दें, फिर चक्कर लगा लेंगे। नहीं लेकिन उससे पहले भी आ सकते हैं आप लोग। चलिए ऐसा कर लेते हैं। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं मम्मा को लेके आपके पास आऊंगी। हाँ भाई मुझे मालूम है तुम तो आंखें बंद करके ले जा सकती हो। तुम भी रोना बेटा, ठीक मेरे पास है। छाया तुम हमारे के बगैर रह लो? सायरा रह लूंगी, मेरा उनसे रिश्ता ही क्या है? खैर रिश्ता तो बहुत गहरा है, तुम मानो या ना मानो
अच्छा वो कल हमें शॉपिंग पे जाना है, मेरी सास का फोन आया था। आज मेरी दाल के दर्द का क्या होगा? आज हम डॉक्टर हमारे से दवाई लेकर आए ना, कल तक ठीक हो जाएगा, बस तुम रेडी रहना। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतने दिनों बाद आया मेरा बेटा। आ तो गया ना। कैसे है बाबा? मैं ठीक हूँ, जीते रहो बेटा। गुड टू सी यू। सेम हियर, सेम हियर। मौजू खाना लगा दो। आई थिंक आई नीड टू चेंज इन टू माई पीजेस फर्स्ट। बेटा कौन सा इतना दूर से आ रहे हो, हमने तुम्हारे इंतजार में खाना भी नहीं खाया। आप भी बैक नहीं चाहिए, आप मौजूद के खाना लगाने से पहले वापस आ रहे हैं, राइट? प्लीज लेट मी गो। पहले से बता तो दे आपने इसका रिश्ता तय कर दिया है। हाँ आपने कोरिया से वापस आ जाए फिर बता दूंगी, और फिर इसकी मम्मी कर ली। मम्मी कल ही कर दे, तैयारियां तो आपकी मुकम्मल है। कल इसकी फ्लाइट है, अब हमारे पास वक्त भी नहीं है। वक्त तो बहुत कम है। सजाद आ गया? कहाँ है? वो तानिया को लेकर डिनर को गया है। तो सुरा होगी दोनों में? इन दोनों में भी बस लड़ाई होती रहती है और दोस्ती भी हो जाती है एकदम। ये तो अच्छा है, अच्छी बात है। अल्लाह हमारे बच्चों को बस खुश रखे। आप कब आएंगे? मैं सारा के लिए बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया तुम इतनी डिप्रेस क्यों साउंड कर रही हो? मेरी शादी हो जाएगी फिर उसका क्या होगा? मैं संभाल लूंगा ना, अगर मुझे आना आना होता तो तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी करवा लेता। हमारे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी माँ अपने उस लफंगे भाई से सारा की शादी करवाना चाहती है। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो पता नहीं वो क्या कर डालेंगी। तुम परेशान मत, सारा से सिर्फ मेरी शादी हो। अल्लाह करे सही हो। हाँ सारा है कहाँ? चाय बना रही है। चलो सारा आए तो मेरी उससे बात करा। ठीक है, हाफिज़। ओके हाफिज़। जाने तानी, आज फिर क्या दौरा पड़ गया आपको? मुझे यूँ लगा जैसे मेरा बेटा तानी मुझे आवाजें दे रहा, मुझे पुकार रहा है वो। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। आपको कहाँ से आवाजें सुनाई दे रही है? वह मैं आपका सो जाए। काश के बहन, मुझे लगता है कि मेरा बेटा किसी मुश्किल में। क्या बात है? जी हमारा दोस्त उनके साथ वो भागा था, उनके साथ सुख में होगा। किसकी बातें कर रही हो तुम?
जेल में बैठा होगा। बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से भाग कर गया है वो इस घर से, जानता हूँ मैं इसका। मैंने भगाया? मुझे क्या जरूरत थी उसको भगाने की? उसको भगाकर मेरे नाम कोई जायदाद जानकारी थी उसकी? कोई जरूरत तो थी ना, तुम करती थी तुम मुझसे हर वक्त। तो मेरी बीवी बजाय हौसला देने के, तसल्ली देने के, हर वक्त मुझ पर तंज करती रहती हूँ। मैं तंज नहीं करती, जो सच बात है मैं वही बोलती हूँ। ना खुद सोने देते हैं ना किसी को सोने देते हैं, नींद हराम करके रख दिया। तो किसने रोका है? सो जा तू। सो रही हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ कि तुम दानियाल और सारा की मां नहीं। क्यों भूल जाता हूँ? तो ना भूला करें, किसने कहा भूलने को? मेरे बेटे, पता नहीं तू किस हाल में होगा मेरी जान। सारा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सारा प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? मुझे दानियाल का याद आ रहा है। दानियाल का याद आ रही? क्यों क्यों मुझे याद नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं? वो हमारे भाई हैं। हमारे यहाँ पर होते ना तो तुम्हारी शादी का बहुत खुश होते हैं। मैं उनको पूरी लिस्ट बता देती, सारे काम वो खुद ही करते हैं। हम तुम्हारी ढूंढती है और मेरा भाई मौजूद नहीं होगा। माना मैं तो हूं ना तुम्हारी बहन, तुम मत रो। उनकी बात अलग होती है, बहनों का माहौल होता है। पूरे तनाव रहने से तुम दोनों के बगैर क्या करूंगी, कैसे रहूंगी यहाँ पर? मेरा महरूम मेरा जी चाहता है कि मैं रेहान से कहूँ कि तुम्हें भी साथ ले चले। पागल हो गई हो, मैं घर छोड़ के क्यों जाऊंगी? तो ये परेशानी है, कहीं अम्मी तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे।
बेटा उदास क्यों हो? क्यों ना हूँ उदास? किस बात की उदासी है? तुम्हारी शादी होने वाली है, अपना घर होगा, अपना प्यार करने वाला शोहर होगा, तो उदासी क्यों? वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करेंगे जितनी तुम मुझसे करती हो। तो ठीक है, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करना जितनी मैं तुमसे करती हूँ, फिर देखना कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे बगैर रह लोगी? हाँ क्यों डरोगी? तो नहीं अपने घर में क्यों डरूंगी? मेरा जी चाहता है कि मैं रेहान से कहूँ कि तुम्हें भी साथ ले चले। पागल हो गए हो, अपना घर छोड़ के क्यों जाऊंगी? मुझे तो ये परेशानी है कहीं अम्मी तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम्हें याद है मेरा, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि हम अपनी जंग खुद लड़ते हैं, मैं अपनी जंग लड़ लूंगी। इतना हौसला है? हम आपकी मोहब्बत में मुझे बहुत हौसला दिया। मुझे अब लगता है कि अम्मी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सारे तुम्हारी इन बातों ने मुझे बहुत सुकून पहुंचा है। एक बात कहूं? बोलू। अगर हम आज वापस नहीं आया तो जरूर आएंगे। वो तुमसे बहुत सिंसियर है। देखा कोरिया जाते कैसे तुम्हें कॉल्स कर रहे थे, और दिन में 3-4 फोन तो कर ही लेते। अब ये बुरे ख्याल दिल से निकाल दो और अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह पे तो बहुत भरोसा है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि दानियाल भाई मुझे ढूंढते हुए आए, उन्होंने ना मिली तो। अगर वो आ गए ना तो मैं उन्हें तुम तक पहुंचा दूंगी। बिल्कुल बेफिक्र हो, अब सो जाओ, तुम्हें फ्रेश लगना। Thank you.
लग रही है। कुछ तो है, वरना हमारी बेटी यहाँ अकेली तो ना बैठी। ऐसे ही बस मायरा की याद आ रही है। हाँ, उसने तो याद आ। उसके जाने के बाद घर कितना सुना होगा है ना। बेटा, ये जो बेटियां होती हैं ये चीड़ों की तरह हो, रंग बिरंगी चीड़, बाबल के मुंडेर पर बैठती हैं, चहचहाती हो जाती। उड़ जाओ, अपने बाबल का ये आंगन निकालना चाहती हूँ ना, तो ये सही है, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। नहीं भाई, मैं जाऊँ। जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक दिन आऊंगा जरूर तुम्हें लेने, तुम्हें लेके जाऊंगा। मुझसे ज्यादा दुखी होने वाली न जाने कैसी होगी। तू जरा ख्याल कर ले, जुबैर घर पर है, कमरे में जाकर उसके पास बैठ, गपशप लगा, उसको शीशे में उतार, लड़की नहीं लेनी उससे। अच्छा, लड़की को फंसाने के लिए बाप को पटाना पड़ेगा है? रेहान, रेहान उठ जाए, सुबह हो गई है। सोने दो ना यार। रेहान, अबे अम्मी उठाने आ जाएगी, उठे। तुम उठी हुई हो ना, बस ठीक है। रेहान, आप नहीं उठे ना। यार क्या बीवी मिली है, पहले दिन ही मारना शुरू कर दिया। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना, तो मैं ऐसी करूंगी। छोड़ी, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं। अच्छा रेहान, वो मैं कह रही थी कि मैं सारे को फोन कर लूं। पूछने वाली कौन सी बात है? ये वो क्या है ना, कुछ बातें पूछनी पड़ती। ये बात कर लो, मुझे तो नहीं लगता। आप फिर तो हेलो हेलो सारा, कैसी हो मायरा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? तुम नहीं थे ना। अब आदत डालो मेरे बगैर रहने की,
पूरी रात रोती रही हूँ। अरे पागल हो, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। और परेशान होने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी वैसी बात हो ना तो मुझे फौरन फोन कर देना। और हाँ, जीना रेहान का नंबर है, तुम ये नंबर सेव कर लो, मैं भी कुछ दिनों में फोन ले लूंगी। रेहान भाई कैसे है? बिल्कुल ठीक है। और तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। अबू जी कैसे है? अब ठीक है, कल रात बहुत उदास थे। अच्छा सारा, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। रिहान, मैं भी कपड़े चेंज कर रही हूँ, आप भी उठ जाए। चले उठे, ये मोबाइल याद रख रही क्या सोचा है तुमने? किस बारे में मियां जी? अपने घर जाने के बारे में। यही मेरा घर है, मुझे इस बात से इंकार नहीं है बेटा। तो फिर भी आप मुझे यहां से निकालना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मियां जी प्लीज, मुझसे मेरी पनाह मत छीनिए। बेटा, मुझे तुम्हारे बाप का सोच सोच के बहुत दुख होता है। आप दुख ना करें, मेरे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम कैसे कह सकते? मुझे पता है नवासा, आ गया हमारा गलती करके तुम। मम्मी कहीं नहीं, यहीं पे था मैं। अच्छा, अभी बता दू। महाराज के अब्बा, महाराज के अब्बा, जरा बाहर तशरीफ लाइए। आ गया आपका शहजादा, कर ले इसका आगे नजारा। कहाँ थे तुम? वो यहीं पर था मैं। सारा दिन हमारे लड़कों के साथ कुत्ते की तरह फिरता है ये बाहर। स्कूल जाता है, बैग रखता है और वो गया। मम्मी अभी तो गए थे मैं। तेरी बात झूठ बोल रही। अगर अब तुमने घर से बाहर कदम रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अभी मुझे मत मारा तू। घर वाले जाते हैं, आते हैं, बहुत याद आते हैं, खासतौर पे सारा की बहुत याद आती है। लेकिन अब उसे डर लगता है उनकी पिटाई के निशान अब भी बाकी है। तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कहूंगा। तुम्हारा जब चीज चाहे चले जाना, मेरी वजह से मैं यहीं रहूंगा। पिता, तुम जम जम रहो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? ये तुम्हारा घर है। अम्मा, मियां जी कह रहे हैं कि मैं लौट जाऊं। क्यों मियां जी? मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा, मैं इसे कहीं नहीं जाने देंगे। देख लिया मियां जी, ये तुम दोनों माँ बेटे का मामला है, मैं क्या कह सकता।
अरे मैं तो खुद नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ। कहाँ रह गए बच्चे? आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची। और मैं तो हो गई। मायरा बेटा, एक बात कहूं तुमसे? जी। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो रेहान की तरह तुम भी हमें अम्मी अबू कह सकती हो। जी जरूर। असल में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी, याद रखो तुम इस घर की बेटी बहू नहीं, समझ गई ना? ठीक है बच्ची। और हाँ रेहान, तुम मायरा के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दो, किसी भी अपने साथ दुबई ले जाओ। पता, मैं भी यही सोचा था। नहीं अबू जी, मैं यही आप लोग के साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी कुछ। नहीं अबू जी, मैं यही रहूंगी आप लोग के साथ। और जरूरी तो नहीं है कि जब मर्द बाहर कमाने जाए उसकी बीवी भी उसके साथ ही जाए। अरे नहीं बेटा, बात असल में ये है कि रेहान को वहाँ कंपनी की तरफ से अच्छी रिहाइश मिली है, और फिर मेरे ख्याल में औरत को अपने शौहर के साथ रहना चाहिए। मगर अबू जी, फैसला हो चुका, अब आराम से नाश्ता करो, ठीक है? तुम रेहान के साथ जाओ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही, जल्दी से नाश्ता करो, अभी तुम्हारे घर वाले आते ही हैं। हेलो। हेलो सारा, कहाँ थे तुम? मैं तो यहीं थी, आपका गायब हो गया था। मैं तो तुम्हारे पास था। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तुम्हारे घर में काफी मेहमान आए होंगे, शादी वाला घर था इसलिए जानबूझ के तीन चार दिन फोन नहीं किया। तुमने मुझे मिस किया। सच बोलो? तुम बोलते ही सच। मैंने मिस किया, लेकिन मुझे पता था आप मानव की वजह से कॉल नहीं कर रहे थे। मायरा की शादी के बाद काफी अकलमंद हो गई है तुम। जी खुश है। शादी के बाद इंशाल्लाह तुम भी ऐसे ही खुश रहो। तो चलो मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम शादी पर लग कैसी रही? मायरा अच्छी लग रही थी। मैंने तुम्हारा पूछा। मुझे क्या पता, शादी तो वैसे दुल्हनों के लिए होती है। मैंने वही कलर पहना था जो आपने मुझसे कहा था। इसका मतलब है आप काफी बहादुर होंगे। नाइस। आपका काम हो गया? हाँ यार, मशीनरी वगैरह तो खरीद दी है, बस अब एक दो दिन में शिपमेंट करवा दूंगा। और फिर वापस तुम्हारे पास। लेकिन अब मायरा नहीं है तो हम लोग मिल नहीं सकते। मैं भी मिलना नहीं चाहता वैसे। सारा, हेलो। दिस वन क्रेजी गर्ल। अरे बेटा तुम भी खाना लो ना। वो मैं बाद में खा लूंगी, मुझे भूख नहीं लग रही। कमाल करती है, खाने का वक्त है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मुश्ताक? बैठो। सही वक्त पर आया हूँ, खाना लगा हुआ है। खाओ खाओ। जी जी खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। वो कसर ले आओ जल्दी से मुश्ताक के लिए। क्या बात है जुबैर भाई, आज दफ्तर नहीं गए? हाँ बस तीन दिन की छुट्टी ली। तीन दिन की छुट्टी? तबीयत तो ठीक है, आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं ठीक, बहुत बेहतर। जुबैर भाई तकल्लुफ मत किया करें, खिदमत का मौका दे दिया करें मुझे।
शुक्रिया। सारा जल्दी से जाइए। आबा खाना बहुत ही अच्छा बनाया सारा ने, तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया कसम से। हाँ माशाल्लाह मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। बेटी की तो आप बड़ी तारीफें करते हैं, मेरी तारीफ तो कभी की ही नहीं, सिखाया भी तो मैंने है ना। आप बहन भाई आपस में बात नहीं करें, कौन मुझसे चाय कमरे में भिजवा दे। आप कसम से बहुत ही अच्छा खाना बनाया, तुम्हें भी काट कर पीछे कर दिया, इनाम दूंगा बुलाओ इसे। बड़ी तारीफें नहीं कर रहे हो तुम उसके खाने की, इनाम दूंगा, बड़ा इनाम देने वाला, मुझे दे दे मैं दे दूंगी। तुम कहीं दे ही ना दो इनाम। दे दूंगी इनाम, तू जरा ख्याल कर ले, जुबैर घर पर है। तो क्या मैं वापस चला जाऊं? मैंने वापस आने का कब बोला?